चलिए बच्चों कुछ सवाल करते हैं। ये सवाल मैं इस हिसाब से करा रहा हूँ कि मैं हर तरह का सवाल आपको करा दूँ, भले ही आपसे जेईई मेन में आसान सवाल पूछे, टफ सवाल पूछे, आपसे सारे हर तरह का सवाल अगर आप क्लास में कर लोगे तो आपसे सवाल बन जाएंगे। ठीक है, तो थोड़े से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मैं ही क्लास में करा देता हूँ, क्योंकि हो सकता है कि आपके पास बड़ा और समय ना हो प्रैक्टिस करने का, तो मैं क्लास में ही सारा काम निपटा रहा हूँ, कम से कम सेमी कंडक्टर का काम तो निपटा रहा हूँ। सवाल बड़ा बढ़िया है, सुनिएगा, अच्छा सवाल है, मतलब ऐसे इजी नहीं है, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, सुनिएगा। फाइंड करंट प्रोड्यूस्ड इन प्योर जर्मेनियम प्लेट, जर्मेनियम इज ऑफ कोर्स ए सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, प्लेट ऑफ एरिया 2×10⁻⁴ मीटर स्क्वायर एंड थिकनेस 1.2 मिलीमीटर व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 5 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस द फेसेस। तो ऐसे बड़ा हमारे पास कोई जर्मेनियम है, इस तरह से, ये बड़ा आपका जर्मेनियम, यहां का पोटेंशियल बड़ा प्लस 5 वोल्ट, यहां का पोटेंशियल लेट्स से 0, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ऑलवेज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। जो क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है इट इज 2×10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, और यहां से यहां तक की जो थिकनेस है ये मुझे दे रखी है 1.2 मिलीमीटर, अच्छी बात है। कंसेंट्रेशन ऑफ कैरियर्स इज 1.6×10⁻⁶। कंसेंट्रेशन ऑफ कैरियर्स का मतलब जो चार्ज को ले जाने वाले हैं उनकी कंसेंट्रेशन ये है। आप जानते हो कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स तो बराबर होते हैं, और उनकी संख्या बड़ा मेरे पास है 1.6×10⁻⁶ पर मीटर क्यूब, अच्छी बात है बेटा। मोबिलिटी दे रखी है इलेक्ट्रॉन्स की और मोबिलिटी दे रखी है होल्स की, यूनिट जो है बड़ा आप देख ही पा रहे हो, मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड, SI स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट है। ऑल्सो फाइंड हीट जनरेटेड इन द प्लेट, बड़ा इस प्लेट के अंदर कितनी हीट जनरेट होगी 100 सेकेंड में, वो तो ठीक है, पावर निकाल के टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हीट तो आ जाएगी, मेन काम तो करंट निकालना है। करंट मैंने तुम्हें सिखा रखा है कि होल्स के कारण भी होगा और इलेक्ट्रॉन्स के मोशन के कारण भी होगा, इलेक्ट्रॉन्स के कारण ऑफकोर्स होगा और होल्स के कारण होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स बट ऑफ कोर्स बराबर है, बाहर निकाल लो एक ही बात है, तो दैट इज एन ई इंटू ए इंटू ई इंटू वी ई प्लस वी एच। लेकिन बड़ा जो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स हैं उनकी वेलोसिटी तो हमें दे नहीं रखी, सर मोबिलिटी दे रखी है। बड़ा याद करो, मैं तुम्हें शायद बता भी रखा है कि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमारी मोबिलिटी थी। तो हम जहां पर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी लिखी हुई है वहां पर हम बड़े आराम से ये लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू मोबिलिटी ऑफ होल, ऐसे लिख सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर मैं बाहर निकाल लूं तो मेरे पास आ गया एन ई इंटू ए इंटू ई म्यू ई प्लस म्यू एच। अब सब इन्फॉर्मेशन बड़ा आपको पता ही है इलेक्ट्रिक फील्ड को छोड़ के, सर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालूं, बड़ा ये हायर पोटेंशियल या लोअर पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑफ कोर्स पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन यहां से तक की डिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस है 5 वोल्ट, यहां से तक की डिस्टेंस है 1.2×10⁻³। दैट इज 5000 डिवाइड बाई 1.2, सिर्फ वैल्यूज रखनी है बड़ा, लिखाइए वैल्यूज लिखाइए, ये तो आ गया 1.6×10⁻⁶ एरिया, बड़ा क्रॉस सेक्शनल एरिया सवाल में दे रखा होगा 2×10⁻⁴, इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6×10⁻⁹, इलेक्ट्रिक फील्ड इज 5000 डिवाइड बाई 1.2 मल्टीप्लाइड विथ म्यू ई प्लस म्यू एच, और बड़ा इनकी वैल्यू से 0.6, SI यूनिट में है तो कोई खास चिंता करने की जरूरत नहीं है। बड़ा कर लेना सोल्व जो भी आंसर आ रहा हूँ, मेरे ख्याल से बड़ा इसका आंसर 1.28×10⁻³⁻³ एम्पीयर आएगा, आप एक बार चेक करना चाहो ना चेक कर लेना। ठीक है, अगला काम, सर हीट कितनी आएगी, बड़ा हीट आएगी ऑफकोर्स पावर इंटू टाइम, सर पावर कितना होता है, बड़ा पावर तुम जानते हो कि हर एलिमेंट का पावर होता है V इंटू आई,
पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट, ये तो होता है क्या, कोई सा भी एलिमेंट हो, हम शुरुआत से पढ़ते हैं इस बात को। तो V पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज 5, करंट बेटा करंट हमने अभी भी निकाला था कितना आया था, कितना आया था 1.28 इंटू 10^-13 मल्टीप्लाइड विथ टाइम, 100 सेकेंड्स बेटा कितनी हीट आएगी वो पूछिए, बड़ा कर लेना मल्टीप्लाई, शायद 6.4 इंटू 10^-11 जूल्स है। ठीक है, ये आपका बड़ा आंसर है, अच्छा आंसर है, बढ़िया आंसर, समझते हो बेटा। इस तरह का सवाल आए तो हमसे बनना चाहिए, है ना, और इसमें ऑफ कोर्स सवाल बेटा दो थे लेकिन दोनों के ही कॉन्सेप्ट आसान आसान थे, मेन तो करंट निकालना था, करंट निकालना सीखे सारा काम से बड़े आराम से हो जाएगा। ठीक है, एक बात और, अक्सर बेटा इलेक्ट्रॉन्स की जो मोबिलिटी होगी वो ज़्यादा होगी और होल्स की मोबिलिटी कम होगी, आपने बेटा नोटिस भी कर लिया होगा, मैंने वैल्यूज भी जानबूझ के ऐसी दी थी, और इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी ज़्यादा क्यों, आप लोग जानते हो बेटा लैटिस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा इजीली मूव कर पाते हैं एज कम्पेयर टू होल्स। चलिए बच्चों एक सवाल और करते हैं, बहुत ही बढ़िया सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ख़ास तौर से ये बताने के लिए कि कैसे जो डोपिंग है वो करने से रेजिस्टिविटी कैसे घटती है, कंडक्टिविटी कैसे बढ़ती है, तो बेटा एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, बड़े आराम से सुनना समझना, खुद भी ट्राई कर सकते हैं सवाल करने के। ठीक है, तो चलो, इफ रेजिस्टिविटी ऑफ प्योर सिलिकन इज 300 ohm meter, अच्छी बात है बेटा, प्योर सिलिकन मतलब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, उसकी रेजिस्टिविटी बेटा मुझे दे रखी है 300 ohm meter, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखी है 0.12 SI यूनिट के अंदर, और मोबिलिटी ऑफ होल ऑफ कोर्स उससे कम दे रखी है 0.025 SI यूनिट के अंदर। फाइंड, दो सवाल हैं, पहले ये करेंगे बाद में ये करेंगे, रेजिस्टिविटी ऑफ, अब बेटा हमने क्या किया कि उस इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर में डोपिंग कर दी और N टाइप सेमीकंडक्टर बना दिया, रेजिस्टिविटी ऑफ N टाइप सेमीकंडक्टर इफ 10^-19 फॉस्फोरस, भाई फॉस्फोरस ही करेंगे ऐड, तो फिफ्थ ग्रुप वाले N टाइप में बड़ा ही करते हैं, आर एडेड पर मीटर क्यूब, जितने फॉस्फोरस ऐड करोगे उतने आपके इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। चलिए बेटा करते हैं सवाल, करते हैं आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहली बात बेटा रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला याद होना चाहिए, जो हमारा प्योर सिलिकन है उसमें अगर आपको बड़ा फॉर्मूला अगर याद हो तो कंडक्टिविटी का फॉर्मूला था Ni इंटू ई इंटू म्यू ई प्लस म्यू एच, ऑफ कोर्स रेजिस्टिविटी इज 1/σ, तो मेरे पास आ गया दैट इज इक्वल्स टू 1/Ni इंटू ई इंटू म्यू ई प्लस म्यू एच, रेजिस्टिविटी की मुझे वैल्यू दे रखी है 300 ohm meter, ये बेटा ऑफ कोर्स आपकी SI यूनिट है, दैट इज 1/Ni 1.6 इंटू 10^-19 इंटू, बेटा ऐड करना 0.1, तो ठीक है बेटा 4, फाइन मैंने सही ऐड किया, हाँ सही ऐड किया, 5 आ जाएगा 4, ठीक है बेटा। जैसे इसको सॉल्व करते हैं बेटा हमारे पास Ni की वैल्यू आ गई है, अब शुरुआत में तुम जानते हो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी वही है, नंबर ऑफ होल्स भी वही है, और Ni भी वही है, और Ni की जो वैल्यू है बेटा वो मेरे ख्याल से 1.437 इंटू 10^16 पर मीटर क्यूब आएगी, ये आएगी फिर एनफ, ये तो पहले की बात है। अब हमने जब N टाइप सेमीकंडक्टर बनाया तब हमने 10^19 फॉस्फोरस ऐड कर दिया पर मीटर क्यूब में, तो आपने इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ा दी और कितनी कर दी है 10^19 इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब कर दिए। सर ये पहले वाले इलेक्ट्रॉन्स की संख्या नहीं जोड़ोगे क्या, सर पहले भी तो इलेक्ट्रॉन्स थे, जोड़ने नहीं जोड़ने से बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 10^19 फॉस्फोरस ऐड कर दिया तो उतने इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा ऐड हो गए, पहले वाले अगर जोड़ोगे भी तो तुम देख पा रहे हो इसके सामने बेटा ये थाउजेंड्स टाइम्स लेस है, रफली थाउजेंड्स टाइम्स लेस है, तो इसके सामने इसकी वैल्यू काफी नेग्लिजिबल है। हाँ आप चाहो तो होल्स की संख्या भी निकाल सकते हो, निकालना चाहो तो, सर होल्स की संख्या कैसे निकालूंगा, नए वाले इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, नए वाले होल्स की संख्या मस्ट बी इक्वल्स टू Ni का स्क्वायर,
नए वाले इलेक्ट्रॉन है 10^19, नए वाले होल्स इंटू एन आई का स्क्वायर दैट इज 1.437 इंटू 10^16 का होल स्क्वायर। बड़ा नंबर ऑफ होल्स मेरे पास आ गए, बड़ा 16, 32 में से बड़ा 19 गया, बड़ा मेरे ख्याल से लगभग 2.6 इंटू 10^ बड़ा 32 में से 30, ये बड़ा नंबर ऑफ होल्स पर मीटर क्यूब आ गए। अब आप देख पा रहे हो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के सामने नंबर ऑफ होल्स की संख्या तो नेग्लिजिबल है, 10^6 का बड़ा इनमें अंतर है, तो 1,000,000 गुने का लगभग अंतर है। नई वाली रेजिस्टिविटी क्या होगी? वैसे तुम कहोगे सर रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला तो वही रहेगा, फॉर्मूला तो यही है, लेकिन हम इसके अंदर ना फॉर्मूले में बड़ा तुम लोग जानते हो क्या सिखा रखा तुम लोगों को, बड़ा अब एन आई एन ई और एन एच अलग अलग है, तो फॉर्मूले मेरे पास था एन ई इंटू ई इंटू म्यू ई प्लस एन एच इंटू ई इंटू म्यू एच। इसके सामने ये वाली वैल्यू नेग्लिजिबल है तो इसे आप काट सकते हो। मैंने आपको फॉर्मूला भी लिखा रखा था, दैट इज 1/Ne इंटू ई इंटू म्यू ई। इतना सा काम है बेटा, सिर्फ वैल्यूज रखनी है और कुछ नहीं करना। Ne कितना है? 10^19। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है? 1.6 इंटू 10^-19। म्यू ई कितना है? म्यू ई है बड़ा 0.12। ये तो बड़ा निपट गए, और हमारे पास ये आ गया बेटा 100/1.6×12। दैट इज 25/4.8। बड़ा ये लगभग 5.21 के आसपास आ जाएगा। तो रेजिस्टिविटी जो है, जो कि पहले 300 ओम मीटर थी, अब वो घटकर बड़ा कम होकर 5.21 ओम मीटर हो गई है। मुझे लगता है बड़ा आपको सारी कैलकुलेशन समझ में आ गई होगी, ठीक है। रेजिस्टिविटी के फॉर्मूले वॉर्मूले, इसके सामने इसको नेग्लिजिबल क्यों माना वगैरह वगैरह, हमने हालांकि क्लास के अंदर फॉर्मूला ये वाला लिखा था, क्योंकि बेटा हम तो मान के चल रहे थे कि नंबर ऑफ होल्स की संख्या काफ़ी कम है। इनको बच्चा पूरा फॉर्मूला लिखे, लिखना चाहो लिख सकते हो बेटा। एन एच की वैल्यू रखना चाहो रख सकते हो, लेकिन आप देख ही पा रहे हो बेटा कि इसके सामने वाली वैल्यू तो बहुत छोटी है, रखने से फायदा ऐसा कुछ खास होगा नहीं, ठीक है। चलो बेटा आगे चलते हैं, दूसरा करते हैं। अच्छा, दूसरा सवाल क्या है? फाइंड बेटा ये रो है रेजिस्टिविटी, फाइंड रेजिस्टिविटी ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर इफ 2×10^19 बोरोन एटम्स आर एडेड पर मीटर क्यूब। अगर बोरोन ऐड करोगे तो बेटा ऑफकोर्स बोरोन तो आपका थर्ड ग्रुप वाला है, और थर्ड ग्रुप वाला है तो बेटा ऑफकोर्स वो तो पी टाइप सेमीकंडक्टर ही बनाएगा। अचानक से बेटा आपके होल्स की संख्या बढ़ जाएगी। सर कितने होल्स बढ़ जाएंगे? बड़ा कुछ नहीं बोल रखा, तो ऑब्वियस बात है कि जितने बोरोन ऐड करोगे उतने ही आपके होल्स ऐड हो जाएंगे, ठीक है। जो आपका प्योर सेमीकंडक्टर था उसमें बेटा अपन ने ये ऐड किया है, ठीक है। ऐसा नहीं कि पहले बेटा इसमें ये ऐड किया फिर ये ऐड किया, ऐसे नहीं कर रहा मैं। प्योर सेमीकंडक्टर मैंने ये ऐड किया है, मतलब ये वाला सवाल और ये वाला सवाल इंडिपेंडेंट है। ऐसा मत सोचना कि पहले सिलिकॉन में आपने पी टाइप कर सॉरी एन टाइप कर दिया फिर पी टाइप कर दिया, ऐसा नहीं कर रहा मैं क्या कर रहा हूँ, प्योर सिलिकॉन में पहले आपने एन टाइप कर दिया और फिर प्योर सिलिकॉन में आपने पी टाइप कर दिया, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बेटा, आपके नंबर ऑफ होल्स की संख्या अचानक से बढ़ गई है, और नंबर ऑफ होल्स की जो डेंसिटी है उसे आप बड़े आराम से लिख सकते हो 2×10^19 पर मीटर क्यूब। सर पहले भी तो होल्स थे बट अगेन वही कहानी, पहले वाले होल्स जो थे उनको जोड़ने की जरूरत है ही नहीं आपको, क्योंकि नंबर ऑफ होल्स जो है वो तो उतने ही हो गए जितने बोरोन में ऐड किए हैं, क्योंकि इनके सामने पहले वाले जो होल्स हैं उनकी संख्या तो नेग्लिजिबल है, तो कोई खास उनको ऐड करने की जरूरत नहीं है। हाँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बड़ा जरूर घट जाएंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत घट जाएगी, या तो बेटा मान लो, अदरवाइज मैं प्रूव भी कर सकता हूं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू नंबर ऑफ होल्स शुड बी इक्वल टू बेटा हमारी जो इंट्रेंसिक कंसेंट्रेशन थी उसका स्क्वायर, दैट इज 1.437×10^16 का होल स्क्वायर। हाँ बेटा, अरे बेटा 1.4 × 1.4 था 1.96 आएगा, तो मैंने बड़ा पहले वाली कैलकुलेशन में शायद उसको 2.56 लिख दिया होगा, ठीक है। बड़ा मेरे ख्याल से 1.9 के आसपास आएगा इंटू 10^ बड़ा कितना
32 अपॉन बेटा 19 कितना हो जाएगा, 32 अपॉन बेटा 19 कितना हो जाएगा, 10 रेज़ टू पावर 13 अपॉन 2। कहने का अर्थ ये कि ये वाली जो वैल्यू है बेटा इसके सामने बहुत ही छोटी है। वो लास्ट वाले में मैंने कैलकुलेशन थोड़ा सा गड़बड़ कर दी, शायद मैं 2.5 लिख देता, लेकिन कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा। तो मैं तो सिर्फ ये प्रूव कर रहा हूँ कि इसके सामने इसकी वैल्यू बहुत ही छोटी है, ठीक है। तो वो प्रूव करने के चक्कर मैंने ऐसे कर दिया, ठीक है। अब मैं पूछूंगी रेजिस्टिविटी क्या होगी, आप बोलोगे सर रेजिस्टिविटी का वैसे जो फॉर्मूला होता है दैट इज ऑफ कोर्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज इनटू म्यू ई, नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम इनटू ई इनटू म्यू एच। आप देख पा रहे हो इस बात को कि इनके सामने इनकी वैल्यू तो नेग्लिजिबल है, तो मत ही लिखो। आप बड़े आराम से कह सकते हो कि इट हैज बिकम वन अपॉन एन एच इनटू ई इनटू म्यू एच, वन अपॉन एन एच। एन एच कितना बड़ा, 2 इंटू 10 रेस टू पावर 19 इंटू ई, ई इज 1.6 इंटू 10 रेस टू पावर माइनस 19। म्यू एच कितना है बेटा, म्यू एच है 25 बेटा, वो 1000 ऊपर लगा देता हूँ, ठीक है। ये दोनों बेटा कैंसिल हो गया, इट इज 20 अपॉन 1.6। शायद बढ़ाइए 12.5 के आसपास आ जाएगा, ओम इंटू मीटर बढ़ाइए आंसर आना चाहिए। बड़ा एक बार कैलकुलेशन जरूर चेक कर लेना, 200 डिवाइड बाई 16 बट दैट कम्स आउट ऑफ 50/4, हाँ 12.5। ये बेटा आपका आंसर, अच्छे आंसर है। और आपने इसमें चेक कर लिया बेटा ऐसा करने से मुझे फायदा क्या हुआ, डोपिंग करने से किस तरह से रेजिस्टिविटी ड्रास्टिकली डिक्रीज हो गई है। काफ़ी हमारे इंपॉर्टेंट चीज़ तो है, बड़े आराम से हम कर ही सकते हैं, आगे चलते। चलिए बच्चों, नेक्स्ट इज पी एन जंक्शन। काफ़ी हद तक तो आपको नाम से आइडिया लग गया होगा कि पी टाइप और एन टाइप का जंक्शन है, मतलब पी टाइप और एन टाइप को हम एक तरह से मिला रहे हैं। तो बेटा बात सुनिएगा कि पी एन जंक्शन एग्जैक्टली है क्या। आप पहले एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लीजिए ऐसे, और इस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को एक तरफ से पी टाइप डोपिंग कर दीजिए और एक तरफ से एन टाइप डोपिंग कर दीजिए। एक तरफ आपने पी टाइप डोपिंग कर दी, एक तरफ आपने एन टाइप डोपिंग कर दी। ऐसा नहीं करना है कि आपने दो अलग अलग सेमीकंडक्टर लिए, उसकी पी टाइप कर दी, इसकी एन टाइप कर दी और दोनों को चिपका दिया, ऐसा नहीं चलेगा। एक ही इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लीजिए, उसको एक तरफ से पी टाइप डोपिंग और एक तरफ से एन टाइप डोपिंग। नाउ जहां पर आपने पी टाइप डोपिंग की है उस तरफ बड़ा ऑफ कोर्स खूब सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स इन ऑफ कोर्स कंडक्शन बैंड। राइट साइड में मैंने उल्टा लिख दिया बेटा, पी टाइप में तो खूब सारे आपके होल्स होंगे, बहुत सारे होल्स होंगे, बहुत सारे होल्स होंगे, बहुत सारे होल्स हैं। इस बात का आप अर्थ जानते हैं, इसका ये अर्थ है कि बड़ा बहुत सारे कोवलेंट बॉन्ड जो है उनमें खाली जगह है, कोवलेंट बॉन्ड्स में खाली जगह है। राइट साइड में आपके पास एन टाइप डोपिंग है तो खूब सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कोवलेंट बॉन्ड ढूंढ रहे हैं, अगर मिल गए तो जाके बैठ जाएंगे, यही तो काम उनका। दिस अरेंजमेंट इज नोन एज योर पीएन जंक्शन। अब जो बीच का जो रीजन है उसे हम ऐसे एग्जैक्टली पीएन जंक्शन कहते हैं, ठीक है। दिस इज योर पीएन जंक्शन। तो आपको क्या करना है, पीएन जंक्शन बनाने के लिए डोपिंग ऑन वन साइड बाई पेंटावेलेंट एलिमेंट एंड
अदर साइड, ये वाले साइड बन ट्राइवेलेंट एलिमेंट, फिर ना दिस इज योर पीएन जंक्शन, बड़ा ही आपका पीएन जंक्शन। अब होगा क्या, इसका मैकेनिज्म क्या है बेटा, वो सुनेगा। लेफ्ट साइड में होल ज्यादा है और राइट साइड में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो अब ये डिफ्यूज होंगे बेटा, क्या होंगे, डिफ्यूज होंगे, इनका डिफ्यूजन होगा। सर डिफ्यूजन तो गैसेस का होता है, हाँ बेटा जैसे गैसेस का डिफ्यूजन होगा वैसे यहां पर इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का डिफ्यूजन होगा। होगा क्या कि जैसे मान लीजिए कि रूम के अंदर हमने किसी एक स्पेसिफिक रीजन में, मान लीजिए बेटा कोई हमने परफ्यूम छिड़का, जैसे परफ्यूम छिड़का तो उस जगह पर परफ्यूम की कंसंट्रेशन ज्यादा है, अब वो परफ्यूम का जो गैस है वो लगातार डिफ्यूज होगा, पूरे रूम में फैलेगा और जिन कोनों के अंदर उसकी कंसंट्रेशन कम है वहां तक भी वो परफ्यूम की गैस पहुंचेगी। दिस इज नोन एज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन ऑब्वियसली अकर्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, फेयर एनफ। इसी तरह से यहां भी डिफ्यूजन होगा, राइट साइड में एन टाइप डोपिंग में जो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा है, ये इलेक्ट्रॉन्स भागे भागे इधर आएंगे, होल्स जो बड़ा भागे भागे इधर आएंगे, डिफ्यूज होंगे। अच्छा एक बात हो, शुरुआत में भले ही मैंने आपको खूब सारे इलेक्ट्रॉन्स दिखा दिए, मैं समझा चुका हूं तुम लोगों को कि एन टाइप डोपिंग करने से ऐसा नहीं कि बेटा ये नेगेटिवली चार्ज हो गया। एन टाइप डोपिंग का अर्थ तो ये हुआ कि आपने फॉस्फोरस एटम डाल दिया, फॉस्फोरस एटम डाल दिया तो ऑफ कोर्स एटम के पास जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, हाँ एक फ्री इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है वो अलग बात है। तो ये शुरुआत में आपका इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, क्या है बेटा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इसी तरह से ये जो पी टाइप है इसमें खूब सारे होल्स हैं लेकिन है ये भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, दोनों के पास बेटा कोई चार्ज वार्ज फिलहाल नहीं है। लेकिन अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स भागेंगे, इलेक्ट्रॉन्स भागेंगे इधर से इधर, होल्स भागेंगे इधर से इधर, और थोड़ी देर बाद में सिचुएशन ऐसी हो जाएगी। बड़ा थोड़ी देर बाद सिचुएशन ऐसे जाएगी, होल्स 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 होल्स, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, होल्स होल्स होल्स, और इधर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, होल्स होल्स, इलेक्ट्रॉन 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 इलेक्ट्रॉन, डिफ्यूज हो गए, कुछ इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, कुछ होल्स इधर आ गए, दिस इज नोन एज योर डिफ्यूजन। अच्छा इलेक्ट्रॉन के इस तरफ आने का अर्थ क्या है, इलेक्ट्रॉन का इस तरफ आने का अर्थ ये कि इलेक्ट्रॉन यहां से भागा 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 और होल की जगह ले ली, होल की जगह ले ली मतलब जहां पर आपका कोवलेंट बॉन्ड था वो टूटा हुआ था, उस खाली जगह जाके इलेक्ट्रॉन बैठ गया, फिजिकल सेंस ये हुआ, फेयर एनफ। ये आपका, मैं बीच का एक हल्का सा रीजन बनाया था, मैं इस रीजन के बारे में बातें बोलूंगा, सुनना एक बार। जैसे ही इलेक्ट्रॉन चल के इधर से इधर आया, सुनना, ये आपका पी टाइप डोप था, ये आपका एन टाइप डोप है। जैसे ही कोई इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आया, ये रीजन जो शुरुआत के अंदर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, क्या था बेटा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, जैसे इलेक्ट्रॉन भागा भागा इधर आया, ऑफ कोर्स नेगेटिव इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव चार्ज के साथ आएगा, और अगर नेगेटिव चार्ज के साथ आएगा तो कोई मुझसे पूछ ले कि पीएन जंक्शन के अंदर जो पी टाइप्स डोपिंग है उस तरफ नेट चार्ज नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, तो आपका जवाब होना चाहिए कि इस तरफ सर नेगेटिव चार्ज। अजीब सा लग रहा होगा सुनने में, लेकिन बट फैक्ट तो फैक्ट है, पी टाइप डोपिंग जिस तरफ कर रखी है उस तरफ नेगेटिव चार्ज है, क्यों, क्योंकि जब पी टाइप डोपिंग कर रखी थी तो न्यूट्रल था, अब क्या हुआ कि डिफ्यूजन के कारण इलेक्ट्रॉन्स इधर से दौड़ के इधर आ गए, जैसे इलेक्ट्रॉन्स इधर से दौड़ के आए इलेक्ट्रॉन्स तो नेगेटिव चार्ज लेके आएंगे, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज लेके आएंगे तो ऑफकोर्स ये वाले साइड क्या होगी, नेगेटिवली चार्ज। एन टाइप देखो बड़ा, जब आपने एन टाइप डोपिंग की थी तो आपने फॉस्फोरस ऐड किया, आर्सेनिक ऐड किया, एटम ऐड किया ना आपने, तो एटम ऐड किया तो एटम के पास तो नेट चार्ज जीरो होता है, तो ये एन टाइप डोपिंग जिस तरफ थी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल थी। लेकिन हुआ क्या कि यहां के इलेक्ट्रॉन दौड़ के इधर चले गए, अरे भाई इलेक्ट्रॉन दौड़ के चले गए मतलब नेगेटिव चार्ज भाग गया, नेगेटिव चार्ज भाग गया तो ऑब्वियस बात है कि ये हमारा पॉजिटिवली चार्ज्ड है, क्या है बेटा, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड। मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूं कि आपको लॉजिक समझ में आ गया, ठीक है बच्चों, बेटा मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूं कि आपको लॉजिक समझ में आ गया। अब देखना बेटा, इस कारण से इस तरफ आपके पास पॉजिटिव चार्ज है, इस तरफ बड़ा आपके पास नेगेटिव चार्ज है। मैं ऐसा कह सकता हूं कि एक तरह से इस रीजन के पास हल्का फुल्का पॉजिटिव चार्ज, इस रीजन के पास हल्का फुल्का नेगेटिव चार्ज।
ये जो मैंने बीच का रीजन बनाया है, मैं इसका एक नाम दे रहा हूं बेटा, डी तो मैंने इसकी थिकनेस बोल दी है, मैं इस रीजन का नाम दे रहा हूं डिप्लीशन रीजन। बेटा क्या नाम दे रहा हूं बेटा? डिप्लीशन रीजन। बीच में ऐसा जोन बन जाएगा जिसके अंदर कोई होल्स नहीं होंगे, कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे। इसमें क्या होगा कि इस तरफ पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस तरफ नेगेटिव चार्ज आ गया, तो इस तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई है बेटा, इस तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई बेटा, ऐसे एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, ऐसे पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। आई होप यू गेट द पॉइंट। ये बड़ा एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से आ गई है, जिस रीजन के अंदर बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड आई है, इस रीजन का मैंने नाम निकाल दिया है डिप्लीशन रीजन। अब इस डिप्लीशन रीजन को देखो, इस डिप्लीशन रीजन के अंदर बड़ा ऑफकोर्स जैसे मान लो सिलिकन है, प्योर सिलिकन था आपके पास, तो ठीक है बड़ा एक इलेक्ट्रॉन यहां पर, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर। मैंने आपको बता रखा है थर्मल एजिटेशन के कारण इसके जो इलेक्ट्रॉन होंगे बड़ा बाहर निकलते रहेंगे, वापस आते रहेंगे, बाहर निकलते रहेंगे, वापस आते रहेंगे। इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा तो दैट इज इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन, इलेक्ट्रॉन वापस आएगा तो दैट इज रिकॉम्बिनेशन। तो थर्मल एजिटेशन के कारण इलेक्ट्रॉन का बाहर जाना अंदर आना, बाहर जाना अंदर आना, बाहर जाना अंदर आना लगातार चलता जाएगा, ठीक है, इससे तुम एग्रीड हो। अब हुआ क्या कि इस रीजन के अंदर, मैं एरो बना रखी तो मैं इस रीजन की बात कर रहा हूं, इस रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड यू है वो क्या करेगी कि जैसे ही कोई इलेक्ट्रॉन निकला बाहर, इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है ऐसे, और इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है ऐसे तो ये इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगेगा ऐसे, और फोर्स लगेगा ऐसे तो इलेक्ट्रॉन भागकर इधर आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन भागकर इधर आ जाएगा। तो जैसे ही आपके इस रीजन के अंदर थर्मल एजिटेशन के कारण अगर इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हुए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से लगेगी कि इलेक्ट्रॉन्स दौड़कर इधर आ जाएंगे और होल भागकर इधर चला जाएगा, और इस कारण से इस रीजन के अंदर किसी भी प्रकार के कोई इलेक्ट्रॉन्स और होल प्रेजेंट रहेंगे नहीं, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उनको भगा देगी। So, बीच में एक ऐसा जोन आ गया, ये जो डिप्लीशन रीजन है ये एक ऐसा जोन है जिसके अंदर किसी प्रकार के कोई इलेक्ट्रॉन्स और होल मतलब चार्ज कैरियर प्रेजेंट नहीं है। सर क्यों नहीं है? आपने तो सिखाया था कि सिलिकॉन के जो बॉन्ड्स हैं वो टूटते रहते हैं, बनते रहते हैं, टूटते रहते हैं, बनते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन जो बाहर जाते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर गया तो इलेक्ट्रॉन होल पे जनरेट हो गया, फिर वापस आ गया तो रिकॉम्बिनेशन हो गया, सर आपने तो ये सिखाया था। लेकिन हुआ क्या कि जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी इस तरफ, तो मान लो कि जैसे इलेक्ट्रॉन होल पे जनरेट हुआ, इलेक्ट्रॉन जैसे ही बाहर आया तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसको खींच लेगी, ड्रैग कर लेगी अपनी अपनी डायरेक्शन के अपोजिट, और इलेक्ट्रॉन जो भाग कर इधर जाएगा, होल भाग कर इधर चला जाएगा। आई होप बेटा इस बात को समझ गए होंगे। तो मैं एक बात लिख रहा हूं, डिप्लीशन रीजन है क्या? ये जो डिप्लीशन रीजन है ये आपके पी साइड और एन साइड के डोपिंग का जो इंटरफेस है वो है, उसमें बेटा कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, उस रीजन के अंदर अच्छी खासी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण यहां पर कोई चार्ज कैरियर्स प्रेजेंट नहीं रहेंगे, ना इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, ना आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, ना आपके पास होल्स रहेंगे। तो मैं लिख सकता हूं डिप्लीशन रीजन इज इंटरफेस रीजन और जंक्शन बिटवीन पी टाइप एंड एन टाइप डोप एन टाइप डॉप्ड रीजन्स। और कोई बात? हां, इस डिप्लीशन रीजन के अंदर देयर विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम कहां से कहां बेटा? ऑफ कोर्स एन से पी, फ्रॉम एन टू पी बेटा, एन टू पी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। और कोई बात? हां बेटा, एक बात और है, इस डिप्लीशन रीजन के अंदर किसी भी प्रकार का कोई चार्ज कैरियर रह ही नहीं सकता, अगर इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट भी हुआ तो होल बड़ा खिंच के उधर चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन बड़ा भाग के इधर आ जाएगा। देयर विल बी नो चार्ज कैरियर्स
बड़ा चार्ज कैरियर्स कौन कौन, इलेक्ट्रॉन एंड होल इन इट। इट मतलब डिप्लीशन रीजन, डिप्लीशन रीजन के अंदर किसी प्रकार के बेटा कोई इलेक्ट्रॉन्स और होल्स बिल्कुल भी नहीं होंगे, बिल्कुल भी नहीं होंगे। बड़ा आई एम अज्यूमिंग कि आपको बड़ा बात समझ में आ गई होगी, ये है बड़ा आपका डिप्लीशन रीजन। आगे चलिए बच्चों, मेरे पास बड़ा कुछ दो चार छोटी छोटी बातें और है बताने के लिए, उनको हम एक एक करके लिखते हैं। सबसे पहले डिफ्यूजन करंट, बेटा सबसे पहले डिफ्यूजन करंट देखना बेटा। डिफ्यूजन जब हुआ तो क्या हुआ कि होल्स भाग के इधर आए, इलेक्ट्रॉन्स भाग के इधर गए। होल्स भाग के इधर गए तो एक तरह से पॉजिटिव चार्ज इधर गया, होल का बड़ा होल का एक तरह से रिप्रेजेंटेशन तो ऐसे मानते हैं, होल इधर से इधर गया तो पॉजिटिव चार्ज इधर गया। इलेक्ट्रॉन जब इधर से इधर आए तो नेगेटिव चार्ज इधर से आया, इधर आया, नेगेटिव चार्ज इधर से इधर आएगा तब भी बड़ा करंट तो यही होगा। तो दोनों से मैं एक बात बोल सकता हूं कि इलेक्ट्रॉन के इधर से इधर आने और होल के इधर से इधर आने में एक करंट आ गया है ऐसे, और उस करंट को मैं कह रहा हूं बेटा क्या नाम दे रहा हूं मैं, डिफ्यूजन करंट। किधर से किधर है, पी टाइप से एन टाइप। तो आप कह सकते हो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के डिफ्यूजन के कारण एक हल्का सा छोटा सा करंट आ रहा है, और वो जो करंट है बेटा आपका कहां से कहां है, वो बड़ा होल सॉरी बेटा कहां से कहां है, पी टाइप से एन टाइप। बड़ा लिखना, एक करंट फ्रॉम पी टाइप टू एन टाइप ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स इज नोन एज डिफ्यूजन करंट, इज नोन एज डिफ्यूजन करंट। फेयर एनफ, कहां से कहां बेटा, ये पी से पी से, समझ गए इस बात को। अगली डेफिनेशन बड़ा लिखिए, नेक्स्ट इज जंक्शन वोल्टेज, या बेटा बैरियर वोल्टेज, या फिर बेटा बैरियर वोल्टेज, जंक्शन वोल्टेज या बेटा बैरियर वोल्टेज, या बेटा इसको पोटेंशियल बैरियर भी कह सकते हैं, है क्या बेटा। सुनना, देखो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से इधर है तो ये वाला साइड हायर पोटेंशियल पे होना चाहिए, ये वाला साइड लोअर पोटेंशियल होना चाहिए, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो आपका जो एन टाइप डॉप्ड रीजन है वो पी टाइप डॉप्ड रीजन से थोड़ा सा हायर पोटेंशियल पे होगा, एंड दैट हायर पोटेंशियल विल बी ऑफकोर्स ई इंटू डी। ई है इलेक्ट्रिक फील्ड, डी है बड़ा छोटी सी डिस्टेंस, सो दिस पोटेंशियल डिफरेंस विल बी सिंपली ई इंटू डी। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि एन रीजन, बड़ा एन रीजन मतलब एन टाइप्ड डोप्ड रीजन, एन रीजन इज स्लाइटली एट हायर पोटेंशियल देन पी रीजन, एंड दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज योर बैरियर वोल्टेज, बेटा जिसमें डेल्टा वी लिख रहा हूं या पोटेंशियल बैरियर, एंड इट विल बी सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डी, बेटा दैट विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डी। ये वाली बात बेटा आपके समझ में आ गई होगी, मैं इसको डायग्राम से ही बता सकता हूं, मैं डायग्राम से ऐसे बता सकता हूं, मुझे यहां हल्का सा मिटाना पड़ेगा। सुनना बेटा, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स ग्राफ बनाऊं तो बेटा यहां कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ये नहीं है नहीं है, यहां बेटा कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है नहीं है नहीं है, बेटा मैं पोटेंशियल वर्सेस एक्स ग्राफ बना रहा हूं, पोटेंशियल वर्सेस पोजीशन। तो मैं यहां पोटेंशियल के लिए जीरो मान लेता हूं, जीरो 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 जीरो,
तो हर जगह पोटेंशियल जीरो 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 जीरो, यहां तक तो पोटेंशियल जीरो है। इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जाओगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा 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 बड़ा। अगर ये डी डिस्टेंस है तो आपका डेल्टा वी पोटेंशियल बढ़ गया है। फिर जैसे ही आप वापस एन टाइप रीजन में आ गए, बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपकी जीरो हो गई, तो पोटेंशियल आपका कांस्टेंट हो गया। बड़ा क्या हो गया? कांस्टेंट। अगर ये एंगल थीटा है तो मैं बड़े आराम से कह सकता हूं कि टेन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है डेल्टा वी, बड़ा बेस है डी, इट इज ऑफकोर्स बड़ा योर इलेक्ट्रिक फील्ड। होनी भी चाहिए बेटा। पोटेंशियल और एक्स ग्राफ का, पोटेंशियल और पोजीशन के बीच में अगर ग्राफ बनाते हैं तो उसका स्लोप आपको क्या दिया करता था? इलेक्ट्रिक फील्ड दिया करता, इलेक्ट्रिक फील्ड को देना चाहिए। ठीक है बेटा, ये आपका पोटेंशियल बैरियर है। अब ये पोटेंशियल बैरियर क्या करेगा वो भी सुनो, मुझे इसके लिए थोड़ी जगह चाहिए बेटा, मैं कुछ चीज़ें मिटा रहा हूँ। आप बेटा साथ साथ लिखते जरूर रहना, लिखोगे बेटा तभी तो सारी सारी चीज़ें हमें याद रहेंगी, वरना भूल जाएंगे यार। है ना, आगे चलो। अच्छा नेक्स्ट, अब मैं एक बात और बोलना चाह रहा था। देखो यार, ये तो मेरे बच्चे मान रहे थे कि इलेक्ट्रॉन्स और होल्स, इलेक्ट्रॉन्स खास तौर से अपने काइनेटिक एनर्जी के कारण डिफ्यूज हो रहे थे और कहां से कहां जा रहे थे, इस एन से पी की तरफ जा रहे थे। इलेक्ट्रॉन्स आते गए आते गए आते गए आते गए आते गए, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर आते जाएंगे, अगले इलेक्ट्रॉन के लिए आना उतना ही मुश्किल होता जाएगा। सर क्यों? सुनना, जैसे इलेक्ट्रॉन दौड़कर इधर आए, ये वाला रीजन तो पॉजिटिवली चार्ज, ये वाला रीजन नेगेटिवली चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आई ऐसे। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आएंगे, ऑफकोर्स ये वाला चार्ज बढ़ेगा, ये वाला चार्ज नेगेटिव में बढ़ेगा, तो वाला इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी। तो जो अगले इलेक्ट्रॉन आ रहे होंगे इधर से इधर, जो अगले इलेक्ट्रॉन आ रहे होंगे इधर से इधर, वो जैसे ही डिप्लीशन रीजन को पार करेंगे, उन पर फोर्स लगेगा इस तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरफ, चार्ज है नेगेटिव, तो उन पर फोर्स लगेगा इस तरफ, ई इंटू ई। अब इस इलेक्ट्रॉन के पास वेलोसिटी तो है इस तरफ और फोर्स है इस तरफ, तो ये वाला जो फोर्स होगा इस इलेक्ट्रॉन के मोशन को रिटार्ड कर रहा है और वो उसको मना कर रहा है कि यार तो उस तरफ मत जा, है कि बेटा? वो उसे मना कर रहा है कि तू उस तरफ मत जा, ठीक है कि नहीं? अब इस इलेक्ट्रॉन के पास अगर मान लो स्पीड कम हुई, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा? जाएगा जाएगा जाएगा, धक्का लगेगा पीछे की तरफ, पलट कर वापस आ जाएगा। हाँ, इसके पास अगर सफिशियंटली हाई काइनेटिक एनर्जी हुई, फिर तो बड़ा इलेक्ट्रॉन पार कर जाएगा। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन इधर पार कर जाएगा, ये वाले पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज थोड़े से और बढ़ जाएंगे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो और बढ़ जाएगी। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर और बढ़ जाएगी, तो अगले इलेक्ट्रॉन के लिए आना और मुश्किल हो जाएगा, है कि नहीं बेटा? अगले इलेक्ट्रॉन के लिए आना और मुश्किल हो जाएगा। तो इस कारण से डिफ्यूजन करंट है, अच्छी बात है, लेकिन एक आप इस बात को समझा करो कि जैसे पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस आने के बाद इलेक्ट्रॉन्स का इधर से इधर आना मुश्किल लगातार होता जाएगा। बट फिर भी अगर इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आ रहे हैं, तो इस तरफ एक ड्रिफ्ट करंट होगा। कहां से कहां होगा बेटा? पी से एन। बेटा क्या होगा? पी से, ठीक है बेटा, मैं मान के चल रहा हूं कि बेटा ये वाली बात आपको समझ में आ गई। मैं इस बात को एक तरीके से और कह सकता हूं, इलेक्ट्रॉन जब यहां से यहां आएगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी घटेगी ई इंटू डेल्टा वी। सॉरी बेटा, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी ई इंटू डेल्टा वी। ई इंटू डेल्टा वी अगर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, तो ऑब्वियस बात है काइनेटिक एनर्जी घटेगी, और काइनेटिक एनर्जी अगर E into delta V से अगर ज्यादा होगी, तभी ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर पार कर पाएगा, अदरवाइज पार नहीं कर पाएगा। तो कोई इलेक्ट्रॉन इधर से इधर तभी जा पाएगा जब उसके पास काइनेटिक एनर्जी E delta V से ज्यादा हो या बराबर हो। बराबर अगर होगी तो बेटा इधर जाकर उसकी काइनेटिक एनर्जी जस्ट जीरो हो जाएगी। बेटा क्या जाएगी? जस्ट जीरो। मैं फिर से बेटा तुम्हें एक बात बताता हूं। देखो, यहां पर किसी इलेक्ट्रॉन के पास मान लो काइनेटिक एनर्जी है के इनिशियल, और वो इलेक्ट्रॉन चलते चलते यहां पहुंच गया। बेटा यहां पर मान लेते हैं काइनेटिक एनर्जी है के फाइनल। तो यहां से यहां तक मैं कहूं कि बेटा चल एक बार के लिए टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन करते हैं। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के इनिशियल, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस ई इंटू यहां का पोटेंशियल। बेटा यहां का पोटेंशियल जीरो है, तो यहां का पोटेंशियल डेल्टा वी है, याद है ना? यहां का पोटेंशियल जीरो, तो यहां का पोटेंशियल डेल्टा वी, तो यहां का पोटेंशियल हो जाएगा डेल्टा वी।
दैट इज इक्वल्स टू, जब इलेक्ट्रॉन इधर पहुंचा तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी आ गई है के फाइनल, और पोटेंशियल एनर्जी हो गई है माइनस ई इंटू बड़ा यहां का पोटेंशियल, यहां का पोटेंशियल तो जीरो। हमारे पास बड़े आराम से आ गई है फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस ई डेल्टा वी। अब ऑब्वियस बात है बेटा, यहां पर जो काइनेटिक एनर्जी है, इलेक्ट्रॉनिक काइनेटिक एनर्जी जब इस तरफ पहुंचने पर जो है इट शुड बी एटलीस्ट जीरो, नेगेटिव तो नहीं हो सकती, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। तो उसके लिए इनिशियल काइनेटिक एनर्जी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू ई डेल्टा वी। वही इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर आ पाएंगे, वही इलेक्ट्रॉन्स एन टाइप से पी टाइप की तरफ डिफ्यूज हो पाएंगे जिनके पास काइनेटिक एनर्जी ई डेल्टा वी से ज्यादा होगी, बाकी बड़ा ऑफ कोर्स बीच रास्ते से पलट कर वापस आ जाएंगे। तो एक लाइन लिखना चाहो बेटा, लाइन लिख सकते हो, इलेक्ट्रॉन्स हैविंग काइनेटिक एनर्जी एट लीस्ट ई डेल्टा वी कैन ओनली, ऐसे लिख दो, इलेक्ट्रॉन्स हैविंग काइनेटिक एनर्जी एट लीस्ट ई डेल्टा वी कैन डिफ्यूज फ्रॉम बड़ा किधर से किधर, एन टू पी, एन से पी बड़ा सिर्फ और सिर्फ वही इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज हो पाएंगे जिनके पास काइनेटिक एनर्जी ई डेल्टा वी या उससे ज्यादा होगी, उससे कम वाले बड़ा डिफ्यूज नहीं हो पाएंगे, उनकी मसली बात नहीं, वो बड़ा बीच रास्ते से पलट कर वापस आ जाएंगे। बड़ा समझ गए इस बात को, इसी में एक छोटा सा पार्ट और है बेटा, हेडिंग लिखिए ड्रिफ्ट करंट। पहले वाला क्या पढ़ा था, डिफ्यूजन करंट, अब क्या पढ़ रहे हैं, ड्रिफ्ट करंट। बेटा मैं बहुत डिटेल में और बहुत समझा समझा के पढ़ा रहा हूं, ठीक है, कि है ना तुम्हें कोई भी चीज इलॉजिकल ना लगे कि यार कोई भी चीज इलॉजिकल है, हो सकता है कि बच्चों को थोड़ा टाइम वेस्टिंग भी लग रहा हो कि इस पर इतना डिटेल में पढ़ाने की क्या जरूरत है। इतना डिटेल में पढ़ाई इसलिए रहा हूँ कि तुम्हें कुछ और देखना ही ना पड़े, ना कोई बुक देखनी पड़े, ना कोई और सवाल देखने पड़े, क्लास नोट्स देखे और तुम्हारा मामला खत्म, और कुछ देखने की जरूरत ना पड़े। तो मेरी पूरी कोशिश बेटा सिमुलेटर में ये रहेगी कि तुम्हें कुछ और ना तो कोई सवाल सॉल्व करने पड़े, ना कुछ और अपने इससे काम बन जाए, फिर भी एनसीईआरटी रीडिंग ऑफकोर्स लगा लेना। मेरी तरफ से बड़ा पूरी कोशिश है कि तुम्हें कुछ ना करना पड़े, टाइम भी बच जाएगा अपना, एग्जाम वैसे नज़दीक है। आगे चलो बेटा, नेक्स्ट इज ड्रिफ्ट करंट, बहुत ही अच्छा सा कॉन्सेप्ट है। सुनो, ड्रिफ्ट करंट बताने के लिए मैं भूमिका तो तैयार कर चुका हूं, मतलब मैं उसका ग्राउंड तैयार कर चुका हूं। इस डिप्लीशन रीजन को देखो, इस डिप्लीशन रीजन के अंदर जो हमारा एन टाइप है और जो पी टाइप है, एन टाइप में पॉजिटिव चार्ज था, पी टाइप में नेगेटिव चार्ज था, इलेक्ट्रिक फील्ड आई ऐसे। अब ये जो रीजन है, ऑफकोर्स बड़ा शुरुआत में तो सिलिकन ही था, डोपिंग वोपिंग करें तो अलग बात है, तो सिलिकन मान लो बेटा ऐसे, थर्मल एजिटेशन के कारण अगर कोई इलेक्ट्रॉन उठकर ऊपर आया, जैसे ये इलेक्ट्रॉन बेटा उठकर ऊपर आएगा, जैसे बेटा इलेक्ट्रॉन उठकर ऊपर आएगा, यहां पर एक होल बन जाएगा, यहां इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगेगा इस तरफ और होल पर बेटा तुम जानते हो फोर्स लगेगा इस तरफ, तो होल दौड़ा दौड़ा इधर जाएगा, इलेक्ट्रॉन दौड़ा दौड़ा इधर आएगा। जैसे ही होल इधर से इधर गया, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आया, इलेक्ट्रॉन के इधर आने के कारण करंट है ऐसे, होल के इधर जाने के कारण भी करंट है ऐसे, तो एक छोटा सा करंट आ गया है इस तरफ, और इस करंट को मैं नाम दे रहा हूं ड्रिफ्ट करंट। बेटा क्या नाम दे रहा हूं, ड्रिफ्ट करंट। सर ड्रिफ्ट नाम क्यों लिया बेटा, ड्रिफ्ट इसलिए कि एक तरह से इन इलेक्ट्रॉन्स और होल को ड्रिफ्ट ही तो कराया है, घसीटा ही तो है, इलेक्ट्रॉन को हमने घसीटा है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट और होल को घसीटा है इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ। तो ये जो बीच वाला रीजन है, डिप्लीशन रीजन वाला जो डिप्लीशन रीजन है, उसके अंदर सिलिकन जो है उसके बॉन्ड्स लगातार बनते रहेंगे, टूटते रहेंगे, बनते रहेंगे, टूटते रहेंगे। तो जब बड़ा बन रहे होंगे इलेक्ट्रॉन होल पेयर, जब बन रहा होगा उस टाइम पर इलेक्ट्रॉन इसको इस तरफ घसीट लेंगे, होल को इस तरफ घसीट लेंगे, जैसे इलेक्ट्रॉन इस तरफ आया, होल इस तरफ आया, बड़ा ऑब्वियस बात है कि दोनों के कारण करंट आया ऐसा। ये करंट किधर से किधर है, ये करंट है एन से पी, बड़ा कहां है एन से पी, एंड दिस करंट इज नोन एज योर ड्रिफ्ट करंट। बड़ा समझ रहे हैं बात को, दिस करंट इज नोन एज योर ड्रिफ्ट करंट। हमारा डिफ्यूजन करंट कहां से कहां था, डिफ्यूजन करंट था पी से एन, ये कहां से है एन से पी, बड़ा कहां से है एन से पी, समझ गए।
तो बेटा इस बात को लिख सकते हो, इन डिप्लीशन रीजन इफ कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक्स इलेक्ट्रॉन विल गेट ड्रिफ्टेड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड एन साइड एंड ऑफ कोर्स होल विल गेट ड्रिफ्टेड टुवर्ड पी साइड इट विल कंट्रीब्यूट टू ड्रिफ्ट करंट। बेटा यही हमारा ड्रिफ्ट करंट का कारण है। और बेटा ड्रिफ्ट करंट है कहां से कहां तक, बेटा लिख देना, इट इज फ्रॉम एन टू पी। डिफ्यूजन करंट कहां से कहां था, पी टू एन। ठीक है, अब अगली बात। अब बेटा अगली बात, एक छोटा सा पॉइंट और है बेटा, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज स्टडी स्टेट। अब होगा क्या कि जैसे ही आप इस तरह का ये पीएन जंक्शन बनाओगे तो शुरुआत में तो क्या होगा कि आपका सिर्फ और सिर्फ डिफ्यूजन करंट ही होगा भाई, ड्रिफ्ट करंट तो होगा ही नहीं शुरुआत में, सिर्फ और सिर्फ डिफ्यूजन करंट ही होगा बिल्कुल शुरुआत में तो। लेकिन जैसे डिफ्यूजन करंट आएगा तो इलेक्ट्रॉन्स भाग के इधर आएंगे, इधर पॉजिटिव चार्ज इधर नेगेटिव चार्ज, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी फिर बड़ा आगे की कहानी हम जानते ही हैं कि बड़ा वो बीच वाले जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो टूटेंगे वगैरह वगैरह। एक टाइम ऐसा आएगा जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा। वो इक्विलिब्रियम आने का क्या अर्थ है सुनना, मैं अगेन थोड़ा सा डिटेल में बता रहा हूं लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें अच्छा लगेगा, बिल्कुल बढ़िया सुनना आएगा। और खास तौर से बड़ा अगले साल कोई बच्चा अगर मान लो इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह ब्रांच लेता तो वो कम से कम परेशान नहीं होगा अगर उसने सेमीकंडक्टर वगैरह ढंग से पढ़ रखा है ना, उसको थोड़ा सा चिल रहेगा मामला। अब होगा क्या कि बेटा ये मेरे पास पी टाइप, ये मेरे पास एन टाइप, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऑफकोर्स भागे 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 इधर आए। शुरुआत में आना आसान था क्योंकि कोई डिप्लीशन रीजन था ही नहीं, लेकिन जैसे इलेक्ट्रॉन्स भाग के इधर आए हम जानते हैं कि इधर आ गया आपका पॉजिटिव चार्ज, इधर आ गया नेगेटिव चार्ज। शुरुआत में थोड़े से इलेक्ट्रॉन आए तो ये पॉजिटिव चार्ज थोड़ा सा, नेगेटिव चार्ज थोड़ा सा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी सी, इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी सी तो पोटेंशियल डिफरेंस थोड़ा सा, पोटेंशियल डिफरेंस थोड़ा सा, तो अभी भी बड़ा इलेक्ट्रॉन्स बड़े आराम से बड़ी मस्ती से जा रहे हैं। जब तक इलेक्ट्रॉन्स इधर जाते जाएंगे वैसे वैसे ये वाला पॉजिटिव लगातार बढ़ता जाएगा, नेगेटिव लगातार बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लगातार बढ़ती जाएगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ते बढ़ते पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ते बढ़ते एक टाइम ऐसा आएगा जब इलेक्ट्रॉन का जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वो आ गया हमारे पास स्टडी स्टेट। और जब स्टडी स्टेट आ गया तो पोटेंशियल डिफरेंस अच्छा खासा आ गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड अच्छी खासी आ गई है, और अब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ सकते, ये आपका डिप्लीशन रीजन, ये पॉजिटिव या नेगेटिव। अब क्या होगा बेटा, मैं जानता हूं कि अब ये पॉजिटिव ये नेगेटिव बढ़िया चार्ज है और किसी इलेक्ट्रॉन को इधर से इधर नहीं आने दे रहे, ठीक है। अब क्या होगा कि बीच में एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरफ, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हुआ, ये इलेक्ट्रॉन और ये होल, इलेक्ट्रॉन भागा भागा इधर आया, होल भागा भागा इधर गया। जैसे इलेक्ट्रॉन भागा भागा इधर गया, इस पॉजिटिव चार्ज को हल्का सा कम किया, ये जैसे होल इधर गया इस नेगेटिव चार्ज को हल्का सा मैग्नीट्यूड में कम किया, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये हल्की सी कम हुई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हल्की सी कम हुई तो पोटेंशियल डिफरेंस हल्का सा कम हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस हल्का सा कम हुआ, ये होल जब इधर गया और ये जब नेगेटिव चार्ज इधर गया, दोनों के कारण हम जानते हैं कि एक करंट आया ऐसे, इस करंट को मैं नाम दे चुका हूं बेटा क्या, ड्रिफ्ट करंट, ठीक है। लेकिन जैसे ही होल इधर आया, नेगेटिव चार्ज इधर गया, ये पॉजिटिव हल्का सा कम हुआ, ये नेगेटिव हल्का सा कम हुआ, ये पॉजिटिव नेगेटिव हल्के से कम हुई तो इलेक्ट्रिक फील्ड हल्के से कम हुई, इलेक्ट्रिक फील्ड हल्के से कम हुई तो पोटेंशियल डिफरेंस हल्का सा कम हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस हल्का सा कम हुआ, तो इस तरफ जो बैठा हुआ फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन होगा ना, फास्टेस्ट फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, वो बोलेगा देखो इलेक्ट्रिक फील्ड हल्के से कम हो गई है
पोटेंशियल डिफरेंस हल्का सा कम हो गया, मैं भाग जाता हूं इधर, वो सटाक से भाग के इधर आ जाएगा। उस इलेक्ट्रॉन के इधर भागने से ऑफकोर्स ये तो डिफ्यूजन के कारण दिख रहा है, ये तो डिफ्यूजन के कारण दिख रहा है। वो इलेक्ट्रॉन जैसे ही भाग कर इधर आया, इस तरफ एक करंट आ गया, और उस करंट का हम नाम जानते हैं बेटा क्या होगा, डिफ्यूजन करंट। लेकिन जैसे वो नेगेटिव चार्ज इधर आया, मैं जानता हूं कि यहां का पॉजिटिव चार्ज वापस से बढ़कर उतना ही हो गया, यहां का नेगेटिव चार्ज वापस से बढ़कर उतना ही हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वापस से बढ़कर उतनी ही हो गई जो इलेक्ट्रॉन्स को आने नहीं दे रही थी। अब क्या होगा, फिर से कोई कोवेलेंट बॉन्ड टूटेगा, फिर से कोई कोवेलेंट बॉन्ड टूटेगा, फिर से इलेक्ट्रॉन भाग कर इधर आएगा, फिर से होल इधर आएगा, जैसे इधर आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड हल्की सी बिल्कुल चिन्नी से कम होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे चिन्नी से कम होगी फिर से एक इलेक्ट्रॉन दौड़ के इधर आएगा, फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड वापस से मैनेज कर देगा। तो इस टाइम पर हल्का हल्का थोड़ा 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 ड्रिफ्ट करंट भी है और थोड़ा 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 डिफ्यूजन करंट भी है। ये बीच में जो कोवेलेंट बॉन्ड टूट रहे हैं इनके कारण एक ड्रिफ्ट करंट है, उन कोवेलेंट बॉन्ड टूटने के कारण इन होल्स के और इलेक्ट्रॉन्स के इधर जाने के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड चिन्नी से कम होगी, हम कॉन्स्टेंट मानेंगे चिन्नी से कम होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे बड़ा चिन्नी से कम होगी जो फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन भाग के जस्ट इधर आएगा, वो इलेक्ट्रॉन जैसे इधर आएगा वो पॉजिटिव नेगेटिव वापस से मेंटेन कर देगा, जैसे बड़ा पॉजिटिव नेगेटिव वापस से मेंटेन कर देगा फिर से इलेक्ट्रॉन का आना जाना बंद। तो जैसे जैसे कोवेलेंट बॉन्ड टूटते रहेंगे बेटा वैसे वैसे आपका यह लगातार काम चलता रहेगा, और इस केस में इस स्टेडी स्टेट के अंदर आपका डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट बेटा एग्जैक्टली सेम रहेगा, इक्वल रहेगा। आई एम रियली होपिंग कि बेटा आपको वाली बात समझ में आ गई है ना, फील वाली बात थी, सवाल वाला तो ठीक है बेटा आ जा रहेगा, फील वाली बात। तो बेटा एट स्टडी स्टेट आई कुड इजीली से कि ड्रिफ्ट करंट की वैल्यू और डिफ्यूजन करंट की वैल्यू बेटा एग्जैक्टली बराबर हो जाएगी, ठीक है। हमारे जितने भी सेमीकंडक्टर के डिवाइसेस हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, वो मोस्टली बेटा इस पीएन जंक्शन से ही बनते हैं। पीएन जंक्शन का यूज करके हम लोग जो इलेक्ट्रिक अप्लायंस बनाते हैं बेटा दैट इज नोन एज पीएन डायोड, वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है बेटा। ये आपका पी, ये आपका एन, बीच बेटा ये आपका डिप्लीशन रीजन, इसको हम रिप्रेजेंट करने के लिए सर्किट में रिप्रेजेंट करने के लिए बेटा ऐसे बनाते हैं, ऐसे सर्किट में अगर दिखाना हो तो इस तरह से दिखाते हैं। ये ट्रायंगल का बेटा बेस है ना, ये आपकी पी साइड है, और जो ट्रायंगल का जो वर्टेक्स है बेटा ये आपकी एन साइड है। तो बार बार आपको ये दिखाने की जरूरत नहीं, ये दिखा दिया करो, दिस इज नोन एज बेटा पीएन डायोड। बेटा क्या नाम निकाल रहा है अपने, पीएन डायोड, और हमारे बहुत सारे सवाल बेटा पीएन डायोड काम आएगा आगे की बेटा, अपनी थ्योरी बहुत सारी पीएन डायोड पर ही बेस्ड है, ठीक है बच्चों। एक सवाल कर लेते हैं बेटा, एक सवाल कर लेते हैं, जो पढ़ाया है उसी के बेसिस पे सवाल पूछ रहा हूं, न्यूमेरिकल सवाल है तो आपको भी हल्का फुल्का आइडिया लगे कि हाँ यार इस तरह के सवाल पूछ सकते हैं, और हर चीज बिल्कुल लॉजिकल है, बिल्कुल एकदम फिट बैठती है, ऐसा कि याद कर लेंगे कि सेमीकंडक्टर चैप्टर है तो चलो याद कर लेते हैं। बड़ा लिखना, ए पीएन जंक्शन हैज पोटेंशियल बैरियर 0.5 वोल्ट एंड एंड डिप्लीशन रीजन विड्थ 0.5 माइक्रोमीटर, इतनी होती है मतलब, ठीक है। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इन डिप्लीशन रीजन, दूसरा काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन which can
डिफ्यूज फ्रॉम एन साइड टू पी साइड। तीसरा सवाल, एन इलेक्ट्रॉन हैविंग स्पीड 5×10⁵ मीटर पर सेकेंड डिफ्यूजेस फ्रॉम एन टू पी, फाइंड इट्स स्पीड व्हेन इट रीचेस पी साइड। बेटा जब ये पी साइड की तरफ आ जाएगा तो उसकी स्पीड कितनी होगी। ठीक है बेटा, तीन सवाल हैं और मुझे लगता है कि इन तीनों सवालों को करने के लिए जो कुछ बेटा आपको जानना चाहिए मैंने तुम्हें सब बता रखा है, मैंने बेटा आपको सब बता रखा है। ठीक, तो कीजिए बेटा इसको। चलिए मैं करता हूँ। सबसे पहले बेटा आपके पास इस तरह का रीजन, ये बड़ा आपका पी टाइप, बड़ा ये आपका एन टाइप, इधर बड़ा प्लस इधर माइनस। इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी लाइक दिस। यहां से तक का पोटेंशियल डिफरेंस बड़ा मुझे दे रखा है 0.5। अगर यहां का पोटेंशियल जीरो तो यहां का 0.5। ठीक है ना, ये जो विड्थ है मुझे दे रखी है 0.5×10⁻⁶ मीटर। सबसे पहले मुझसे पूछा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इज पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन यहां से तक का सेपरेशन। पोटेंशियल डिफरेंस इज 0.5 वोल्ट एंड सेपरेशन इज बेटा 0.5×10⁻⁶ मीटर, दैट इज 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर। 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर बोल दो या फिर 10⁻⁶ न्यूटन पर कूलम बोल दो, एक ही बात है, दोनों ही एसआई यूनिट है। बेटा पहला सवाल तो हो गया। मुझसे पूछा है कि बेटा कोई इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से भागकर अगर इधर जा रहा तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो आप कहोगे सर उसके पास काइनेटिक एनर्जी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू ई डेल्टा वी। तो आप कह सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू डेल्टा वी, बेटा कितना है 0.5 वोल्ट इंटू ई, तो 0.5 इलेक्ट्रो वोल्ट। ऐसे भी कह सकते हो, जूल में लिखना चाहो तो कह सकते हो कि इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0.5×1.6×10⁻⁹ जूल। तो आपको कहना चाहिए कि सर काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की जो है वो 8×10⁻²⁰ जूल से ज़्यादा होनी चाहिए। उससे कम काइनेटिक एनर्जी का जो इलेक्ट्रॉन होगा वो थोड़ा बीच रास्ते से पलट के ही वापस आ जाएगा। है बेटा आगे चले। अगला सवाल मुझसे पूछा है कि ऐसा इलेक्ट्रॉन जिसकी स्पीड यहाँ पर तो 5×10⁻⁵ है, जब यहाँ पहुँचेगा तो स्पीड कितनी होगी। तो ये स्पीड हम दो तरीके से निकाल सकते हैं बेटा, है ना, न्यूटन्स लॉ से भी निकाल सकते हैं और वो क्या कहते हैं बेटा अपना वर्क पावर एनर्जी या टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से भी निकाल सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा वैसे निकाल लो। ठीक है, मैं निकाल देता हूँ। ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही इस रीजन में एंटर करेगा वैसे ही उसके पास वेलोसिटी ऐसे होगी, लेकिन इलेक्ट्रॉन पर फोर्स इधर होगा, फोर्स होगा ई इंटू ई, है कि बेटा, एक्सेलरेशन होगा ई ई अपॉन एम। ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, तो आपका एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट आ गया। अब डिस्प्लेसमेंट पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन पता है, फाइनल वेलोसिटी पूछी है। बेस्ट इक्वेशन बेटा क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर इज इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट। आप लिख सकते हो फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर इज इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर। बेटा इनिशियल वेलोसिटी मैंने आपको कितनी दी थी, शायद बेटा 5×10⁻⁵ दी थी, माइनस 2 टाइम्स एक्सेलरेशन। बेटा एक्सेलरेशन इज ई ई अपॉन एम, बेटा माइनस क्यों लगा, वेलोसिटी इस तरफ है, एक्सेलरेशन इस तरफ, ये वाले साइड प्लस, ये वाले साइड माइनस, ई ई अपॉन एम। बड़ा 1.6×10⁻⁹ इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज 10⁻⁶, ये तो बड़ा फोर्स आ गया।
मास से डिवाइड कर दो, दैट इज 9.1 × 10⁻³⁻¹. इंटू डिस्प्लेसमेंट, यहां से यहां तक का बड़ा डिस्प्लेसमेंट, बड़ा मैंने आपको ये डिस्प्लेसमेंट कितना दे रखा है, 0.5 × 10⁻¹. ये दोनों निपटे, कर लेना बेटा इसको सॉल्व. वी को अगर तुम सॉल्व करोगे बड़ा रफली मेरे ख्याल से 2.7 × 10⁻¹⁵ आएगा शायद. एक बार कैलकुलेशन तुम चेक कर लेना, मैं इतना श्योर नहीं हूँ कि ये आंसर आएगा, है ना, तुम चेक कर लेना. कोई कहते सर ठीक है बढ़िया है, लेकिन क्या सर किसी और तरीके से हो सकता है? हाँ बेटा, टोटल मैकेनिकल कंजर्वेशन से हो सकता है. इनिशियल काइनेटिक 1/2 mv², इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी चार्ज मल्टीप्लाई पोटेंशियल, यहां का पोटेंशियल 0.5 शुड बी इक्वल टू उस तरफ काइनेटिक एनर्जी, उस तरफ काइनेटिक एनर्जी है 1/2 mv² और पोटेंशियल एनर्जी है चार्ज मल्टीप्लाइड बाय, यहां का पोटेंशियल अगर 0.5 है तो यहां का पोटेंशियल 0 है. ठीक है ना, एग्जैक्टली सेम इक्वेशन बनेगी, सेम तरीके से आपका आंसर आएगा. वैल्यू जरूर बेटा ठीक है आपने एक बार चेक कर लेना, मैंने तो बेटा 2.7 × 10⁵ ही निकाल रखा, आप एक बार चेक कर लेना कि ये आंसर आता नहीं आता. ठीक, आगे चलिए.